अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए आज हम पीने आए हैं चाय, वो भी मेन मार्केट में। ये देखिए ये भाई दूर दार है, ये जरा दूर से ही बनाऊं, नजदीक से पता नहीं चल रहा। उसके बाद उसने चूल्हा जला दिया, इसके अंदर गुड़ डालना ठीक है, और थोड़ा डालना, थोड़ा हाँ कम। ये देखेंगे भाई जो है चाय बनाना शुरू हो गया, पत्ती थोड़ी तेज डालना, हाँ हल्की सी, ज्यादा नहीं तेज, हल्की सी तेज, बस बस बस, गुड़ इतना ही बहुत है। ओए गुड़ ज्यादा डाल दिया, ये कितनी चाय बनाएगा? नहीं नहीं और भी लोगों की इसी के अंदर है, हाँ बस दो ही। गुड़ डाल दिया उसने, दूध भी डाल दिया। अब नेक्स्ट पड़ाव जो है इसके अंदर पति डालेगा, पति डाल दी, पति पति। ये देखिए ये लबड़ी मार्केट में ये चाय वाला है, ये चाय जो है वो बनाता है और इसकी चाय बड़ी फेमस है। हमने सोचा हम भी पीते हैं, है तो इतनी तपती हुई गर्मी है। ये देखे इसके सामने ही जो है चिकन वाले भाई की दुकान है, ये देखे सामने चिकन बना रहा है। और ये इतनी गर्मी में हम लोग तपती हुई, आज 46 टेम्परेचर है। और एक और चीज खाती हूँ, ये देखे ये ठरकी है, ये देखे ये है ठरकी, ये देखे। ये चाय बनाने के लिए स्पेशल फार्मूला लगाते हैं, पता नहीं कौन सा है। ये देखे चाय, चलो चाय के दौरान मैंने आपको ठरकी भी दिखा दी है। और ये देखिए ये चाय कैसे बना रहा है, चक्कर इसके मुंह की तीली डोन है भैया, डोन भाई। जरा चीनी पत्ती जो है ठोक के, चीनी रोक के, पानी भी रोक के। ये देखिए आज टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, और 49 डिग्री टेम्परेचर है। और ये जो है मिनी मार्केट है, मिनी मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं। ये सामने जो है ये चिकन वाली शॉप है, ये देखिए ये भाई चिकन काट रहा है। और इधर साइड पे ही ये गन्ने वाली शॉप है जिसमें गन्ने का जूस मिलता है। और इधर साइड पे जो है ये भाई कूलर वाला बैठा हुआ है, कूलर की वो लगा रहा है। और साथ में ये देखिए फ्रूट्स की दुकान है, ये भी फ्रूट्स की दुकान है। और ये देखिए ये भाई है जो चाय बना रहा है और टेढ़ी आंख कर करके पता नहीं किसको देख रहा है, मुझे तो नहीं देख रहा, मैं तो सामने खड़ी हूँ। ये देखिए इसकी चाय के नाम भी है प्रॉपर, मैं चाय वाला भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये सारा कुछ मिलता है, पराठा, चाय, नाश्ता, मतलब दिन का नाश्ता। और ये इनका बड़ा सा कप है जिसमें ये पराठा बनाते हैं, कप में। पैन कौन सा है, ये हाँ ये वाला कर दो, देखे दो डिजाइन के कप है इनके पास। बस सही है ओके है। ये देखे इनके दो भाई भी आ गए, ये भी चाय ही बनाते हैं। यहाँ से नाश्ता मिलता है ना, बस नाश्ता मिलता है, हलवा पूरी सारा कुछ। अच्छा ये क्या चीज है, ये फिक्का चाय के लिए। अच्छा ये मग्गा है चाय का। ये देखे भाई कैसे चाय डाल रहा है, ये चीज इसको थोड़ा धो लेना था भाई, पानी बस निकाल दो। ये देखिए ये इनका चाय का मग्गा है, इसमें भी चाय डाल के देते हैं लोगों को। नहीं ये फीका चाय बना है, पानी डाल दो इसमें, फीका चाय जो बनाते हैं। अच्छा फीका चाय इसमें बनाते हैं, ये मीठी चाय। ओ गुड, इसमें ये मीठी चाय बनाते हैं जिसमें गुड़ या चीनी वाले, और इसमें फीका चाय बनाते हैं जिसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डालती। बर्तन भी इन्होंने रख लगता है, ये दूध है इनका, ये देखे दूध कितना मुझे। हाँ जी डाल दे, ये देखे ये दूध डाल रहा है, चाय डाल रहा है, सॉरी ये चक्कर। ये देखे भाई जो है टेबल लगा रहे, इसके ऊपर चाय रखेगा,
और वो देखिए वो चाय वाला है हमारे सामने ही है, ये देखिए अब चाय लेकर आएगा। ये देखिए ये चाय आ रही है हमारी, ये चीज़। चले मैं आपको चाय पी के बताती हूँ चाय कैसी है। ये कपों का स्वैग चेक करें कितना खूबसूरत, इन्होंने धो के कप दी है। ओहो वंडरफुल, मजा आ गया चाय कसम से, मजा आ गया। 49 डिग्री टेम्परेचर है और चाय का भी इतना ही टेम्परेचर है और दोनों का मेल तालमेल बहुत ज्यादा खा रहा है और बहुत मजा आ रहा है। धूप में कड़कती हुई चाय, गर्मी को गर्मी मारती है, इसलिए हम लोगों ने जूस नहीं, हम लोगों ने चाय का इंतखाब किया क्या, नहीं तो हमने कॉफी पीनी थी, लेकिन इसकी चाय बहुत फेमस है। वो देखे अभी भी और भी लोगों को ऑर्डर लगा लगा के दे रहा है, ये देखे वो खुद भी पी रहा है। ओहो क्या मजे की चाय है भाई, आप लोग भी आओ। ये मिनी मार्केट में है, बिल्कुल लिबर्टी मार्केट के साथ ये मार्केट है और इनकी चाय क्या कमाल धमाल चाय है। और ये पराठा बना के देते हैं, कोयटा का पराठा दिखा हुआ है ऊपर, और इनकी दुकान का नाम है कोयटा पराठा। आप भी आओ चाय पियो और इस भाई को पहचान लो, इसकी ये शक्ल है, इससे आगे हमने चाय का ऑर्डर देना है, ये शक्ल है इसकी। बहुत मजे की चाय है और बहुत सस्ती चाय है, बस 100 रुपीज का एक कप। ओहो कसम से मजा ही आ गया, जिधर जिधर से गुजर रही है ना ठंड डालती हुई जा रही है कि नहीं। हाँ बहुत मजे की है और कप भी बहुत प्यारे खूबसूरत साफ सुथरे और धो के देते हैं। और देखे ये कोयटा के लोग हैं कितने मेहनती हैं और धूप में लगे हुए हैं काम करने। और ये देखें जरा ये लड़का दूध अब लेकर आया, दूध रख रहा है, मतलब लोग दूर दराज इलाके से आगे यहाँ भी आगे मेहनत करते हैं। कोयटा हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, 2 रातें और 2 दिन लगते हैं यहाँ तक आने में, और ये लोग इधर मेहनत करते हैं और इनको फिर रिवार्ड तो देना ही चाहिए ना, अप्रिसिएशन देनी चाहिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी मेरी तरह चिल करे पिल करे थोड़ा हिल हिल करे। अल्लाह हाफिज़।